हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलौंजी के तेल के बारे में। बहुत पुराने जमाने से इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम सब इसको अब तक सिर्फ एक मसाला या औषधि के रूप में जानते थे। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं और अपने बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसका नियमित उपयोग करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम स्वस्थ रहने में बहुत ही सफल रहते हैं। दोस्तों, इसके उपयोग से कैंसर, डायबिटीज, पीलिया, बवासीर, सर्दी, खांसी, दमा, बुखार, मोतियाबिंद, कान का दर्द, सफ़ेद दाग, लकवा, माइग्रेन, गंजापन या फिर किडनी स्टोन और HIV, इन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप इसका उपयोग निम्न अनुसार करेंगे तो आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे, वो भी मात्र कुछ ही दिनों में और हमेशा के लिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ऐसे ही 100 तत्व और भी हैं। दोस्तों, अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। 2010 के एक स्रोत में पता चला है कि HIV पीड़ित को अगर लहसुन और शहद के मिश्रण के साथ कलौंजी का तेल दिया जाए तो इसके मात्र कुछ ही दिनों में हमारे शरीर में बन रहे T4 और T8 बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ा है। अगर किसी को दमा या खांसी की समस्या है तो उन्हें रोजाना कम से कम 3 चम्मच कलौंजी का तेल पीना चाहिए, सुबह, दोपहर या शाम। पानी में कलौंजी के तेल को डालकर अगर इसका भाप लेते हैं तो आप बहुत जल्द दमा या फिर खांसी से छुटकारा पाते हैं। दोस्तों, अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है तो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, अगर आप 1 कप राई, 1 कप कलौंजी के बीज और 1/2 कप अनार के छिलके को मिलाकर इसका चूर्ण बना लें और रोजाना 1/2 चम्मच कलौंजी के तेल के साथ अगर नाश्ते से पहले इसका सेवन करते हैं तो मात्र 20 दिन में आप अपने डायबिटीज को घटता देख सकते हैं दोस्तों, और साथ ही आप डायबिटीज को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसका निरंतर उपयोग से ही। 250 ग्राम कलौंजी में शहद मिलाकर इसका मिश्रण बना लें और इसे रोजाना 2 बार कलौंजी के तेल के साथ अगर लेते हैं तो आपको किडनी स्टोन या किसी भी प्रकार के स्टोन के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही आसानी से स्टोन को ख़त्म कर आपके शरीर से निकाल देता है, जिसके लिए आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी को हृदय रोग या फिर ब्लड प्रेशर यानी BP की समस्या है तो उसके लिए भी कलौंजी का तेल बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए आपको करना है कि जब भी आप कोई भी गर्म पेय लें तो उसमें 1 चम्मच कलौंजी का तेल जरूर मिला लें। इससे आपके शरीर में बहुत सारी एनर्जी मिलेगी और इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप कलौंजी के तेल से अपने शरीर पर मालिश करते हैं तो आप बहुत जल्द हृदय और BP के रोग से छुटकारा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर करें। इस तेल से मालिश करने से आपको बहुत फ़ायदे भी मिलेंगे, साथ ही इस तेल का प्रयोग करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि अगर आप किसी दमा के पेशेंट के छाती पे अगर कलौंजी का तेल से मालिश करते हैं तो बहुत जल्द उनको दमा से छुटकारा मिलता है। साथ ही दोस्तों, अगर किसी को सफ़ेद दाग या कुष्ठ है तो उन्हें 15 मिनट के लिए सेव के सिरके से अपने दागों पर, जहां आपको चर्म रोग है या कुष्ठ रोग है, वहां पर मालिश करना चाहिए। इसके बाद आप कलौंजी के तेल से उस जगह पर मालिश करें या लगाकर छोड़ दें। आप बस 15 से 20 दिन में आप इन दागों से छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, अगर आपका ये प्रॉब्लम ज़्यादा है या ये गहरे दाग है तो इसका उपयोग आप तब तक करें जब तक ये ख़त्म ना हो। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस दाग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर किसी को कमर दर्द या गठिया के दर्द या फिर जोड़ों की कोई भी समस्या है या फिर मांसपेशियों की समस्या है तो उसके लिए भी ये तेल बहुत फ़ायदेमंद है। इस तेल को गर्म करके वहाँ लगाएं जहाँ आपको दर्द है और इसका रोजाना 1 चम्मच कर 3 बार इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे करने से आपको अगर गठिया या कमर दर्द या किसी भी तरह की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका सर दर्द होता है या माइग्रेन की समस्या है तो माथे पर
और सर के चारों ओर यानी कान के साइड इस तेल को लगाकर छोड़ दें और नाश्ते के वक्त लगभग एक चम्मच ये तेल जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, कलौंजी के तेल से हमारे सर दर्द और माइग्रेन से छुटकारा मिलता है। अगर हम इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो हमें सर दर्द और माइग्रेन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। अगर आंखों में जलन है या फिर आंखों की रोशनी कम हो गई है तो भी आपकी ये तेल बहुत मदद करेगा। दोस्तों, इस तेल को पलकों में लगाएं या आंखों के चारों ओर लगाकर छोड़ दें। इससे आपके आंखों की जलन और दर्द खत्म हो जाएगी। रोजाना एक कप गाजर के रस में एक चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर सेवन करने से आपको आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिलती है और अगर आप लेंस या फिर चश्मा यूज करते हैं तो आपको इनसे छुटकारा भी दिलाती है। दोस्तों, 100 ग्राम पुदीने को उबाल के एक चम्मच कलौंजी के तेल के साथ मिलाकर खाने से आपकी याददाश्त बढ़ती है और आप बहुत ही शार्प यानी कि बहुत ही चतुर भी होते हैं। अगर किसी को मानसिक तनाव है तो उनको रोजाना एक कप चाय के साथ कलौंजी के तेल का एक चम्मच जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से उनकी तनाव दूर हो जाती है, वो मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, उन्हें टेंशन नहीं होता है। ऐसा करने से उन्हें आगे भी मानसिक तनाव नहीं होती है। स्त्री गुप्त रोगों के लिए भी तेल बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप कलौंजी का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत जल्द इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। आपको एक कप पानी में 2 से 4 पत्ते पुदीने के डालकर उबालने हैं। ये तब तक उबालने हैं जब तक ये आधा ना हो जाए और इस पानी का सेवन आपको सुबह और शाम 2 बार करना है। ऐसे करने से आप बहुत जल्द इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे, जितनी भी स्त्री गुप्त रोग हैं इनसे छुटकारा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इससे आपको बैगन, अंडा, मांस मच्छी इन सब से परहेज करना है, तभी आपको ये दवा सूट कर पाएगी। अगर आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं या फिर आप गंजे हो गए हैं, गंजेपन के शिकार हैं, तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों, आपको करना क्या है कि पहले आप नींबू के रस से अपने सर पर लगाकर करीब 15 से 20 मिनट तक मालिश करें। इसके बाद अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें और इसके सूखने के बाद कम से कम 15 मिनट, जब आपके बाल अच्छी तरह सूख जाए तो आप कलौंजी के तेल लगा लें और इसको थोड़ी देर तक मालिश करें। ऐसे करने से दोस्तों आप बस कुछ ही दिनों में टूटते बालों से छुटकारा पाएंगे और पाएंगे काले, घने व लंबे बाल और आप नए बाल आते भी देखेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको रूसी की समस्या है या फिर आपके बाल की कोई भी समस्या है तो आप 10 ग्राम कलौंजी के तेल में जैतून का तेल 30 ग्राम और मेहंदी 30 ग्राम मिलाकर एक पेस्ट बना लें और इसे अपने सर पर लगा के कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें। जब यह मिश्रण हल्का सूख जाए तो आप इसे अच्छी तरह वॉश कर लें। इससे आपको रूसी, जूं और बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट और लंबे, काले, घने हो जाएंगे। दोस्तों, कलौंजी का तेल सौंदर्य बढ़ाने के लिए, बहुत ही सुंदर त्वचा पाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच कलौंजी का तेल। अब इन दोनों को मिलाकर थोड़ी देर के लिए मसाज करें और कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप हल्के हल्के हाथों से इसकी मसाज करें और अच्छी तरह वॉश कर लें। आप पाएंगे सुंदर और बेदाग त्वचा। दोस्तों, अगर कील मुहासे भी हैं तो ये भी खत्म हो जाएंगे कलौंजी के तेल से। तो देखा दोस्तों कि कलौंजी के तेल से हमें कितने फायदे हैं। अगर हम इसके नियमित रूप से उपचार करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें बहुत सारे फायदे भी देता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू तरीकों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।